गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लेसन 10 आर्टिकल्स। ओके, आर्टिकल्स जब हम कभी किसी चीज के सिंगल चीज के बारे में बात करते हैं तो वहां पर हम लोग आर्टिकल्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अभी आप लोगों के क्लास में दो आर्टिकल्स पढ़ने हैं जिसमें एक है ए और दूसरा है एन। ओके, अब हम लोग को सीखना है कि एन और ए का यूज कहाँ पे करते हैं। ओके, तो जैसा कि आप लोग ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा वावेल और कॉन्सोनेंट। ओके, तो वावेल और कॉन्सोनेंट में ए ई आई ओ यू को हम लोग वावेल बोलते हैं और बाकी सारे लेटर को हम लोग कॉन्सोनेंट बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम लोगों को यहाँ पढ़ना है कि कहाँ पे ए और एन का यूज करते हैं। तो बच्चों, इसमें देखना ये है कि जो भी वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं उसके आगे हम ए लगाते हैं किसी भी सिंगल चीज को शो करने के लिए। ठीक है, जैसे कि आपके एग्जांपल में दिख रहा है ए बुक, बुक बी क्या है, बुक में बी क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ देखिए लगा है ए। ए पेंसिल, आप पी क्या है, पी भी कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे ए लगा है। मैंगो में एम है पहले, तो उसके आगे भी ए लगा हुआ है। ठीक है, और उसके बाद ए बॉल। तो ये सारे वर्ड जो है किससे बने हुए हैं, ये सारे के सारे वर्ड कॉन्सोनेंट से बने हुए हैं। ठीक है, तो इस सब के आगे ए लगा हुआ है। अब आइए नीचे देखते हैं हम लोग एन एग। अब जैसे एग है, एग क्या है, ये वावेल से बना हुआ है, स्टार्टिंग इसी वावेल से हुई है, तो इसका मतलब हुआ एन एग लिखा हुआ है, एन एप्पल, एन आउल, एन आइसक्रीम। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ जितने भी वर्ड इसमें बने हैं वो सब के सब वावेल से बने हुए हैं, इसलिए इसके आगे एन लगा हुआ है। ठीक, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि ए कहाँ लगेगा और एन कहाँ लगेगा। ठीक है, अब एक्सरसाइज आप देखिए डू एंड लर्न में, आप देख रहे हो हम लोगों ने इसको पहले भी किया था, मैं इसको सिर्फ रिवाइज करा रहा हूँ आपको ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। फिल इन द ब्लैंक विथ आ ए आर एन, तो सारा मैंने भरा हुआ है, आप देख रहे हो एन, एप्पल के पहले क्या लगाया मैंने, एन लगाया है, काउ के पहले ए लगा है, ऑक्स ओ से स्टार्ट हुआ तो एन लग गया, चाइल्ड सी से शुरू हुआ तो ए लग गया। ऐसे सारे सेंटेंस आप चेक करेंगे देखेंगे तो आपको सब ऐसे दिखेगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद फिर हम लोग चलते हैं दूसरे एक्सरसाइज पे। सप्लाई ए आर एन विच एवर इज सुटेबल, आप देख रहे हो एन एग एंड ए स्पून, ए मैंगो एंड ऑरेंज, ए बॉक्स एंड एन आयरन। ठीक, तो इस तरह से डू एंड लर्न का बी वाला भी इसी तरह से किया गया। ठीक, अच्छा, अब हम लोग यूज ऑफ द का यूज कहाँ पे होता है आर्टिकल्स में। द इज यूज इन प्लेस ऑफ ए आर एन व्हेन द टॉक अबाउट ए नाउन और सेकेंड टाइम। ठीक है, जैसे हमने एक बार किसी भी व्यक्ति किसी भी चीज के बारे में बात की और हमने ए लगाया, दोबारा जब उस सेंटेंस को हम लोग शुरू करेंगे तो हम लोग द लगा देते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल में दिया है, आई सा ए मैन, द मैन वॉज पुअर, मैंने एक आदमी को देखा, वह आदमी क्या था, द मैन वॉज पुअर। ओके, बी आल्सो यूज द बिफोर सम प्रॉपर नाउन। जैसे आप यहाँ पे देखिए कभी भी हम लोग द का यूज कहाँ कहाँ करते हैं देख लीजिए थोड़ा सा, जैसे रिवर है ना, तो रिवर के पहले हम लोग द का यूज कर देते हैं, जैसे द गंगा, द नील, जैसे पर्वत श्रृंखला है, हिमालय या अल्पस, तो यहाँ पे द का यूज किया गया है। फेमस बिल्डिंग जैसे द ताज, द रेड फोर्ट, इसके आगे भी। थिंग्स विच आर ओनली वन ऑफ दियर काइंड, जैसे कोई भी चीज सिर्फ पूरे पृथ्वी पर सिर्फ एक है, पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक है, तो हम उसके आगे भी द का लगाते हैं, जैसे द अर्थ, द सन। ठीक है, इसी प्रकार से होली बुक्स, कोई पवित्र पुस्तक है जैसे हमारे धर्म में रामायण है, कुरान, गीता, बाइबल, तो इन सब के आगे भी द का प्रयोग करते हैं। अभी इस क्लास में आपको इतना ही जानना है, बड़े क्लासों में जाओगे तो द का और भी प्रयोग है। जैसे हम लोग देखिए डू एंड लर्न में हम लोगों ने किया था फिल इन द ब्लैंक्स विद ए आर एन,
ना, दे हैड ए हाउस, सी हैज एन अम्ब्रेला, आई सा पैरट, द पैरट वॉज अमेजिंग। क्लियर हुआ? एग्जाम्पल से भी बताया था मैंने। वी आर वेटिंग फॉर द स्कूल ऑटो, द स्काई इज ब्लू। ठीक, तो आपने देखा कि यहाँ पे ए और एन भी यूज हुआ है, द का भी यूज हुआ है। तो आप ऊपर वाले जितने भी दिए गए हैं इसको आप याद रखिएगा, इसी हिसाब से द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो अगर इसमें किसी भी तरह की डाउट हो तो आप व्हाट्सएप पे भी क्वेरी कर सकते हैं। आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों।